been judged. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वायु गेमिंग। मैं हूँ आपका होस्ट वायु। मैं करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आगे भी अच्छे हैं। सो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि व्हाट आर द टॉप 5 साइज ऑफ प्रो प्लेयर। एक जो प्रो प्लेयर होता है उसमें कौन सी 5 खूबियाँ होती हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि वो एक प्रो प्लेयर है। अगर आपके अंदर ये खूबियाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये वीडियो देख के ये खूबियाँ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में कर देना ध्यान से शेयर। सो गाइस, आज का जो अपना पहला पॉइंट है वो हर प्रो प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है स्किल। गाइस, अगर एक प्रो प्लेयर में स्किल नहीं होती है तो उसको कोई प्रो प्लेयर नहीं कहता। गाइस, स्किल के मैं आपको 3 पॉइंट बताऊँगा, डिसीजन मेकिंग, मूवमेंट स्पीड और हेडशॉट। अगर तीनों क्वालिटी आपके अंदर है तो गाइस डेफिनेटली हर बंदा आपको प्रो प्लेयर बोलेगा ही बोलेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं स्किल की अपनी पहली क्वालिटी जो थी अपनी डिसीजन मेकिंग। गाइस, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है तो आप किसी भी मैच को इजीली विन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब आप कैसे सोचते हैं कि आपको कब रेस्ट करना है, कब मैच ग्रिड लगानी है, कब ग्लू वॉल करना है। सो गाइस, अगर इसका आपको अच्छे से पता होगा कि आपको कब क्या करना है तो गाइस आप किसी भी मैच को इजीली विन कर सकते हैं। और गाइस, इसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती है। तो गाइस, ये आपको ज़्यादा खेल खेल कर ही आएगी। आप जितना गेम खेलोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और गाइस तभी आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी स्ट्रांग हो पाएगी। सो गाइस, डिसीजन मेकिंग तो बात हो गई है। अपना स्किल का जो दूसरा पॉइंट था वो था मूवमेंट स्पीड। गाइस, मूवमेंट स्पीड भी एक प्रो प्लेयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना मूवमेंट स्पीड के भले ही आप कितना अच्छा शॉट मारते हो, भले ही आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आपके पास मूवमेंट स्पीड नहीं है तो कोई आपको प्रो प्लेयर नहीं कहेगा। गाइस, अगर आप एक वन शॉट प्लेयर बनना चाहते हैं तो मूवमेंट स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक वन शॉट प्लेयर के लिए। सो गाइस, मूवमेंट स्पीड आपकी फास्ट करने का मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। आप अपनी कस्टम स्टूडियो में जाना, जितने बटन्स आप यूज़ नहीं करते हो उन सबको मैप में डाल देना, जितने बटन यूज़ करते हो उनका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना और जब भी गेम खेला करो, भले ही एनिमी सामने हो ना हो, उन बटन को बार बार क्लिक करते रहा करो। इससे क्या होगा कि आपकी फिंगर की रेगुलरिटी बनी रहेगी। गाइज, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, भले ही बंदा सामने हो चाहे ना हो, आपने जितने प्रो प्लेयर को देखा होगा वो भले खाली मैदान में भी दौड़े या एकदम खाली स्पेस में भी दौड़े, तब भी वो अपने मूवमेंट करते रहते हैं, गन निकालते रहते हैं, पीछे रखते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी एनमी सामने आता है तो पहले से मूवमेंट कर रहे होते हैं, उनकी उंगली पर काम होता ही, और एनमी आता है तो उनकी उंगली मतलब रुकी नहीं होती है तो वो आराम से मार लेते हैं एनमी को। और गाइस, आपके केस में क्या होता है, एनमी सामने नहीं होता है, आप बंदे को रन पे लगा देते हो, बंदा रन करता रहता है, आपकी उंगलियों पे कुछ काम होता नहीं है। सो गाइस, आपकी उंगली खाली पड़ी रहती है, जैसे ही बंदा सामने आता है तो एकदम से अगर आप हड़बड़ा जाते हो आपकी उंगली पे बहुत सारा काम आ जाता है, इसीलिए आप एनमी को मार नहीं पाते हो। सो गाइस, जब भी खाली जगह पे मूवमेंट करो तब भी गन निकालते रहो, आगे पीछे करते रहो। इससे क्या होगा कि गाइस, अगर आपकी उंगली आप बार बार बटन्स को टच करते रहोगे, आपकी उंगली वर्किंग रहेगी तो बंदा सामने आएगा तो आपकी उंगली हड़बड़ाएगी नहीं और आप आराम से बंदे को मार सकते हो, और यही प्रो प्लेयर हमेशा करता है, आपने देखा भी होगा। सो गाइस, चलते हैं आप अपना मूवमेंट स्पीड के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है गाइस हेडशॉट। हेडशॉट क्वालिटी हर एक प्रो प्लेयर के अंदर होनी चाहिए। और गाइस, अगर आप हेडशॉट अच्छा नहीं मार पाते हो तो गाइस कोई आपको प्रो प्लेयर कहेगा नहीं, साफ बात है, आप भी जानते हो। सो गाइस, हेडशॉट के लिए ज़्यादा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जिसमें मैं हेडशॉट के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बताऊं, एकदम अंत तक जाऊं, एकदम अनंत, एकदम सच्चाई आपको गहराई बताऊं, सो गाइस आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो ले आऊँगा। वरना गाइस, हेडशॉट आपको अपना इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, कस्टम स्टूडियो में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, अपने फायर बटन का साइज़ जो है वो आपको 58 से लेकर 67 के बीच में रख देना है। गाइस, आपके हेडशॉट बढ़ने लगेंगे, मतलब आप ज़्यादा हेडशॉट मार पाओगे। और गाइस, ये जेन्युइन ट्रिक है, आप अप्लाई करके देख सकते हो। सो गाइस, इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो होने वाला है ड्रेस कॉम्बिनेशन। सो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि वायु भाई क्या बता रहा है, ड्रेस कॉम्बिनेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, कपड़ा कोई भी पहन लो, बस गेम खेलना आना चाहिए उससे फ़र्क पड़ता है ना। सो गाइस, ड्रेस कॉम्बिनेशन का फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस पहन के जाओगे, ड्रेस कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होगा, सो गाइस देखने वाला जो बंदा आपको स्पेक्टेट कर रहा होगा वो भी कहेगा कि गाइस ये कोई प्रो प्लेयर है। तो गाइस, समझाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, आप यहाँ पे ग्लोबल में जाके देख सकते हो, एक मिनट रुक जाइए, गाइस रीजन में आप, गाइस रीजन में आप देख सकते हो इन लोग की जो ड्रेस है उनमें कुछ ना कुछ आपको खासियत दिखेगी और देख के आपको लगेगा कि गाइस ये प्रो प्लेयर है। तो गाइस, इसकी ड्रेस देख सकते हो, ये पूरी ब्लैक कलर की है, इसमें इसका जो पैंट है और जो शर्ट है वो दोनों ब्लैक कलर का है। तो गाइस, जो कि मैचिंग कर रहा है, इसमें आपका देख सकते हो थोड़ा ब्लू और ब्लैकिश लुक आ रहा है पैंट और शर्ट और जूते का भी। सो गाइस, अब इसके बाद आप इसके बंडल में देख सकते हो वाइट और रेड है, ये पूरा इसी ने एक कलर का पहना है। और गाइस, इसने देख सकते हो आपने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लगाया है। सो गाइस,
यही एक चीज़ होती है जो आपको समझनी है। सो गाइस ये देखो पूरा ब्लू कलर का बंडल, सो गाइस देखने में अच्छा लग रहा है। सो गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन का मतलब होना चाहिए आप जो कपड़ा पहनो उसमें कुछ ना कुछ आपका मैचिंग का होना चाहिए। जैसे कि आपने देख रहे हो कि जो मैंने कपड़ा पहन रखा है उसमें मेरी जो जैकेट है और जो मेरा वो जूता है वो दोनों वाइट कलर का है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। और गाइस आप देख सकते हो जो मैंने मास्क पहना है और मेरी जो टोपी है उसका, उसमें टोपी में मेरा एक रेड कलर की स्ट्रिप है तो रेड रेड भी मैच कर रहा है। गाइस देख सकते हो आप, ब्लैक मैंने पहन लिया है तो ब्लैक शर्ट और पैंट मैच कर रहा है। सो गाइस आपको कुछ ना कुछ ऐसा कपड़ा पहन लेना है जो आपको मैच करे, मतलब आपकी मैचिंग का कपड़ा हो। सो गाइस आपको अगर ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि गाइस आपको अपने लिए एक अच्छा ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढना है। गाइस मैं आपके ही कलेक्शन में से आपके लिए 5 से 6 ड्रेस कॉम्बिनेशन ऐसे ढूंढवा दूंगा। सो गाइस जिसको आप 3 दिन 2 दिन बदल बदल के पहन सकते हो और जो कि अच्छे बंडल रहेंगे गाइस आपके कलेक्शन में से। भले ही आपके पास जैसी भी ड्रेस हो 5-6 कॉम्बिनेशन तो मैं आपको ज़रूर बनवा दूंगा। सो गाइस अगर वीडियो चाहिए हो ड्रेस कॉम्बिनेशन पे तो कमेंट में कर देना, बता देना। और गाइस चलते हैं, ड्रेस कॉम्बिनेशन की बात हो गई, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पहनो उसमें कुछ ना कुछ मैचिंग का होना चाहिए। और बड़ी चीज़ मतलब जैसे कि आपने देखा उसने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया था तो अच्छा लग रहा था, मेरे में वाइट और वाइट का कॉम्बिनेशन है, रेड और रेड का कॉम्बिनेशन है तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन का पहनना है आपको, ये ध्यान रखना। सो गाइस इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट स्टेप आती है वो होने वाली है अवतार एंड बैनर। सो गाइस अगर आप एक अच्छा अवतार और बैनर लगाते हो सो गाइस आपको जो भी प्लेयर देखेगा उसको लगेगा कि आप एक प्रो प्लेयर हो। अगर कोई आपको स्पेक्टेट कर रहा होगा और वो बंदा अल्ट्रा पे खेल रहा होगा तो उसको आपका अवतार और बैनर दिखेगा। और गाइस अगर आप एक अच्छा अवतार और बैनर लगाओगे अवश्य बात है बंदा आपको कहेगा कि गाइस ये कोई प्रो प्लेयर है। सो गाइस आपको अवतार और बैनर में 2 चीज़ देखनी है, अवतार और बैनर आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो होना चाहिए जो गाइस किसी ने ना लगाया हो, सो गाइस तभी वो देखने में अच्छा लगेगा। सो गाइस आप मेरा बैनर देख सकते हो, मेरा जो बैनर है वो आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन सा बैनर है। गाइस अपने कैरेक्टर में कलवा एडम के बाद जो दूसरा कलवा कैरेक्टर आता है एंड्रू, नहीं बिल्कुल नहीं वो शिप वाला फॉर्ड, सो गाइस उसका बैनर है, लेवलअप करने पे आपको मिलता है, बहुत लोगों को पता होगा बहुत को नहीं पता होगा। सो गाइस आप सोच रहे होगा अब इसमें ऐसा खास कर, सो गाइस आप चाहे अपनी फ्रेंड लिस्ट में देखना और मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो किसी ने भी ये बैनर नहीं लगा रखा है, मुझे देखने में अच्छा भी लग रहा था तो गाइस मैंने इसको मतलब मैंने बैनर के लिए उसको लेवलअप मारा है, मुझे करेक्टर तो कुछ नहीं करना था। सो गाइस मैंने ये बैनर वहाँ से ले लिया। सो गाइस लेवलअप करना तो आपके लिए आसान है, आप आराम से लेवलअप कर सकते हैं। सो गाइस आपको अगर अपने लिए अच्छा बैनर और अवतार ढूंढना है सो गाइस आप अपने कलेक्शन सेक्शन में जाके देखना, आप मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट आप देख सकते हैं, गाइस देख लीजिए मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट में मेरे जैसे बैनर जो मैंने लगाया है वो किसी ने नहीं लगाया है। सो गाइस अगर आप भी चाहते हैं एक रेयर अवतार और बैनर ढूंढना अपने ही कलेक्शन में से, सो गाइस आपको क्या करना है और कुछ नहीं करना है, अपने कलेक्शन में जाना, आप अपने पहले फ्रेंड लिस्ट में देखना जो बैनर किसी भी प्लेयर ने ना लगाया हो, अगर वो आपके कलेक्शन में है तो आप उसको लगा लीजिए वरना। और अवतार भी में आप यही कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुराना और रेयर अवतार है तो गाइस आप वो लगा सकते हैं। जो मैंने अवतार लगाया है ये गाइस एक बहुत पुराना अवतार है, बहुत प्लेयर्स को पता होगा बहुत को नहीं पता होगा, ये डायमंड रॉयल में मिलता था बहुत पहले की बात है। सो गाइस मेरे पास ये था तो मैंने लगा दिया और ये मेरे बैनर से भी मैच कर रहा है, ब्लू ब्लू कलर का है। सो गाइस ये मतलब सही में बहुत पुराना अवतार है और गाइस ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा दिया। गाइस ये बात ध्यान रखना, जो आपको देखने में अच्छा लगे वही लगाना, क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो वो किसी को भी नहीं पसंद आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सो गाइस अवतार और बैनर की तो बात हो गई, ये ध्यान रखना अवतार और बैनर ऐसा लगाना जो आपको पसंद आए और जो रेयर हो और जो आपके फ्रेंड लिस्ट में किसी ने भी लगाया ना हो, हो सके तो पुराने लगाना। गाइस आपके पास अगर अच्छा अवतार और बैनर नहीं है तो गाइस आप हीरोइक के लिए रैंक पुश कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो अवतार और बैनर मिलेगा वो काफ़ी रेयर होता है, आप अगर लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। सो गाइस ये तो हो गया अवतार और बैनर की बात। सो गाइस चलते हैं अपनी 4th टिप की तरफ जो होने वाली है 11 एंड लाइक्स। सो गाइस सुन के आप ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है। सो गाइस आप इसका मतलब है आपका ज़्यादा लेवल होना चाहिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। सो गाइस आप इन सब प्लेयर्स की आईडी देख सकते हो, जैसे ये देख लीजिए गाइस इनके, गाइस आप लेवल देखिए और लाइक देखिए, बस आप लेवल और लाइक देखिए, 89 लेवल और 29,000 लाइक। सो गाइस देखिए आप देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस जितने ज़्यादा लाइक होंगे और जितना ज़्यादा आपका लेवल होगा उतना ही अगर आपको भी इंस्पेक्ट करेगा, साफ बात अगर आपका लेवल और लाइक देखेगा, अगर आपका लेवल और लाइक ज़्यादा होगा तो वो आपको एक प्रो प्लेयर ही समझेगा। देख सकते हो 63 लेवल 21,000 लाइक। सो गाइस आपका जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी अच्छी बात है और लाइक्स भी ज़्यादा होने चाहिए। सो गाइस लेवल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैंक गेम खेलना है क्योंकि उससे आपको ज़्यादा एक्सपी मिलेगी और जितनी एक्सपी मिलेगी उतनी जल्दी आपका लेवलअप होगा। गाइस ये तो हो गया लेवल की बात।
सो गाइस मैं आपको अभी एक और चीज़ दिखा देता हूँ गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए, अगर मान लीजिए आपकी आई डी ऐसी है 13 लेवल 0 लाइक, सो गाइस आप खुद बताइए कि अगर किसी की आई डी ऐसी होगी आप उसको लाइक करोगे गाइस? कुछ ही प्लेयर्स होते हैं जो नूब की मदद करते हैं, बाकी कोई बिल्कुल लाइक नहीं करता। सो गाइस आपको अपने लेवल ऑफ लाइक बढ़ाने हैं जिससे कि लोग आपको प्रो प्लेयर समझें। सो गाइस इसलिए आपको अपना लेवल और लाइक जल्दी बढ़ाना है, और गाइस लेवल के लिए मैंने आपको बता दिया कि लेवल के लिए आपको रैंक गेम खेलना है, आप क्लासिक रैंक गेम खेलो या क्लैश स्क्वाड वो आप पे डिपेंड करता है। क्लासिक के रैंक गेम में आपको ज़्यादा एक्सपी मिलेगी बजाय क्लैश स्क्वाड के रैंक गेम के, लेकिन गाइस खेलो तो रैंक गेम ही खेलो, भले ही क्लासिक का रैंक गेम खेलो, भले ही आप या तो क्लैश स्क्वाड का खेलो तो क्लैश स्क्वाड भी क्लैश स्क्वाड रैंक खेलो गाइस, ये मेरा सजेशन है अगर आपको लाइक बढ़ाना है तो। और गाइस आपको अगर लेवल बढ़ाना है तो लेवल बढ़ाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ गाइस, आपको अगर मान लीजिए आपके पास कोई परमानेंट स्क्वाड है, आप क्लैश स्क्वाड तो खेलते ही होगे उन अपनी परमानेंट स्क्वाड के साथ, क्लैश स्क्वाड में आपको क्या करना है गाइस देखो, जैसे ही मान लो अगर आप मर जाते हो तो आप तीनों बंदों को लाइक कर सकते हो, आप वहाँ से तीनों बंदों को लाइक कर दो, फिर उनमें से अगर कोई मरेगा तो वो आपको लाइक कर देगा गाइस, जैसे ही करके तीनों लोग जब मरेंगे तो आपको यहाँ वहाँ गेम के अंदर से 3 लाइक गाइस, गेम खत्म होने के बाद जो सारे प्लेयर्स का नाम लिख के आता है आपको वहाँ पर भी लाइक करने का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, तो गाइस वहाँ पे भी अगर आपके टीममेट आपको लाइक कर देते हैं तो गाइस 3 और +3 आपको एक गेम से 6 लाइक, अगर आप 10 क्लैश स्क्वाड एक दिन में खेलते हो तो 60 लाइक, अगर आप यह काम 10 दिन तक करते हो तो 600 लाइक गाइस, 10 दिन में 600 लाइक बहुत बड़ी बात होती है अगर आप बात को समझ रहे हो तो गाइस, 600 लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और गाइस अगर नहीं तो आपके पास परमानेंट स्क्वाड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रैंडम खेलते हो गाइस, इसमें आपको टिप 1 और टिप 2 काम आएगी, इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप अच्छा खेलते हो तो गाइस रैंडम प्लेयर भी आपको लाइक करके जाएगा, और आपकी ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छी है तो ज़रूर भाई आपको लाइक करके ही जाएगा। सो गाइस आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है और अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान देना है। सो गाइस ये तो बात हो गई लेवल एंड लाइक्स की, और गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ आज की अपनी लास्ट टिप जो कि होने वाली है योर बेस्ट गिल्ड। गाइस मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक कोई बेस्ट गिल्ड चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको ज्वाइन होना है, मतलब अच्छी गिल्ड जो लेवल 4 तो ज़रूर होनी ही चाहिए और जिसका नाम अच्छा हो और ग्लोरी ज़्यादा हो गाइस, कोई अगर आपको इंस्पायर करेगा तो वो आपका नाम देखता है, लेवल और लाइक्स देखता है, उसके बाद गाइस आपकी ग्लोरी देखता है, गिल्ड का नाम देखता है और गिल्ड की ग्लोरी देखता है। सो गाइस गिल्ड ऑनर में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी गिल्ड दिख जाएंगी, जैसे कि गाइस बॉस गिल्ड है अपने जिग्स भाई की, डायना रेड हो गई अपनी स्काई लॉर्ड भाई की, और टीम हिंद है बाकी टीम बॉर्ड, और ये आप देख सकते हैं सर सुरवीर गेमर, ऐसी बहुत सारी गिल्ड में आप ज्वाइन हो सकते हैं गाइस, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप इस लिस्ट में ही किसी गिल्ड में ज्वाइन हो गाइस, BD71 आर्मी जो कि बहुत अच्छी गिल्ड है, अगर इनमें जैसे जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं अगर आपको उनकी गिल्ड में ज्वाइन होना है तो गाइस वो वीडियो में अपना क्राइटेरिया बताते हैं कि आपको क्या करना है, जो गाइस आप अप्लाई करोगे तो वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, सो गाइस आपको उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है और गाइस वो आपके रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप यूट्यूबर्स की गिल्ड में भी जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बहुत सारी अच्छी गिल्ड है जो गाइस अंडररेटेड जिनको लोग जानते नहीं हैं, सो गाइस आप उन सब गिल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जैसे रैंडम क्लैश स्क्वाड खेलेंगे तो उसमें आपको कोई बंदा पसंद आएगा, उन सब की आईडी चेक करिए, मान लीजिए आप उनसे कहिए कि भाई मुझे अपनी गिल्ड में ले लो ऐसे करके, और गाइस आप सबकी गिल्ड में अप्लाई करके देखो जो गिल्ड आपको नाम पसंद है, और गाइस वो गिल्ड में आप फैमिलियर होने चाहिए, तो फैमिलियर के लिए गाइस मेन ट्रिक है क्या आपको जो गिल्ड का लीडर है उसके साथ अच्छी मतलब दोस्ती कर लेनी है, सो गाइस अगर गिल्ड के लीडर के साथ अच्छी दोस्ती होगी तो गिल्ड आपके लिए ऑलरेडी फैमिलियर हो ही जाएगी, सो गाइस गिल्ड के लीडर के साथ अच्छी दोस्ती कर लेनी है और एक अच्छी गिल्ड में ज्वाइन होना है। सो गाइस इतना सब कुछ करने के बाद आपकी अगर कोई प्रोफाइल चेक करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको देख के साफ कहेगा कि गाइस आप अच्छे प्रो प्लेयर हो, और गाइस अगर आप इलाइट पास परचेस करते हो तो वहाँ पे आपका येलो चमकेगा, वो भी एक अच्छी बात है, अगर आप करते हो तो नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस इलाइट पास से मतलब नहीं होता, स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपनी पूरी वीडियो का था वो था स्किल, सो गाइस अगर आपकी स्किल अच्छी है तो मैटर करता है। सो गाइस मेरा काम था आपको एक प्रो प्लेयर के top 5 साइंस बताना जो कि मैंने आपको बता दिया है, गाइस अब आपका काम है, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में कर देना शेयर। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर देना। सो गाइस चलते हैं अब अलविदा लेते हैं आपसे, और गाइस अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।